दोस्तों, टेक्नोलॉजी और मशीनों की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल की मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी है कि आजकल 5-10 लोग ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले मशीनों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पेपरोनी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, यह एक वेस्टर्न फूड है जिसे सूअर के मांस से बनाया जाता है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले सूअर के मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। अब कटे मांस को एक बड़े ग्राइंडर में डाला जाता है और ग्राइंड हो जाने के बाद इसे दूसरे मशीन में डाला जाता है, जहां इसमें लैक्टिक एसिड का मिश्रण किया जाता है और साथ साथ इसमें मसाले भी मिक्स किए जाते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इन सारे मटेरियल को एक स्टील कंटेनर में भरा जाता है और फिर इसे फिलिंग मशीन में खाली किया जाता है। अब इस मशीन में प्लास्टिक का रोल डाले जाते हैं जिनमें इस बने पेपरोनी को भरते हैं। अब इस भरे मटेरियल को लटकाकर ओवन में डाल देते हैं, जहां इसे 80 डिग्री सेल्सियस में पकाया जाता है और अच्छे से पक जाने के बाद इन्हें पैक करके मार्केट भेज देते हैं। नंबर 2, सोप मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, साबुन से नहाते वक्त क्या आपके मन में यह कभी ख्याल आया है कि इसे फैक्ट्रियों में किस तरह से बनाया जाता है? दोस्तों, साबुन बनाने के लिए मुख्य रूप से फैट और एल्काई की जरूरत पड़ती है, जिसमें एल्काई के लिए सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और फैट के लिए वेजिटेबल ऑयल्स या एनिमल्स ऑयल्स का यूज किया जाता है। अब फैट और एल्काई को मिक्सर में डाल देने के बाद इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करने के साथ साथ इसमें कलर्स और फ्रेग्रेंस जैसे मटेरियल भी मिक्स किए जाते हैं। अब इस मिक्सचर को एलिवेटिंग कन्वर्टर तक भेजा जाता है, जहां कुछ इस तरह से इन्हें प्रोसेस करते हैं। अब इसे रिफाइन किया जाता है और यह मशीन से छोटे छोटे टुकड़ों में काटी जाती है। अब एक स्पीड घूमने वाले रोलर से इसे स्लाइस करते हैं और सोप मेकिंग मशीन तक भेजते हैं, जहां मशीन इसे समान लंबाई में कटिंग करती जाती है। इसके बाद इन साबुन के टुकड़ों में रोटरी स्टैम्प द्वारा सही आकार और ब्रांडिंग स्टैम्प दिया जाता है। अब पैक करके मार्केट भेजने के लिए रेडी कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।